आपकी तपस्या आपकी भक्ति की और मेरे भाग्य में क्या ये मुर्दा पति था मेरी किस्मत में। मेरे सजनों गालड़ू आ जाते हैं, सपेले आ जाते हैं, आकर के सपेले पूछते हैं किसकी लड़की है तू। हैं हैं बेटी, आप क्यों रो रही हो, क्या कारण है? मैं इसलिए रो रही हूँ कि ये जो सामने है हाँ मेरे मुर्दे पति हैं। ये मुर्दे पति हैं? हाँ। तो 12 साल हो गए थे आपने जल में तपस्या के? हाँ, 12 साल मुझे तपस्या करते हुए हो गए। क्या प्रण था आपका? मेरा ये प्रण था हाँ? कि तपस्या वाले लास्ट के दिन हाँ? जो मेरे सामने आएगा वही मेरा पति होगा। वही तेरा पति होगा? हाँ। आज जब वो तेरे सामने आ जंदा झोटा ना, झोटे की बात को ना, मनुष्य इंसान की बात है, मनुष्य इंसान की बात है। हाँ। तो देखिए मैं इसका जहर उतारता हूँ और अभी जीवित करता हूँ। को आवाज दो, पति देव धर्मदेवी नहीं, मैं हूँ आशा। आशा? हाँ जी। तू कौन है आशा? मैं धर्मदेवी के पास पढ़ के सोया था। देखिए आप जो थे एक मुर्दा लाश थे। मुर्दा था मैं? जी हाँ। लाश? जी हाँ। अच्छा, आप मैं जल में तपस्या कर रही थी, आप मेरे सामने आ गए। मेरी ये इच्छा थी कि जो मेरे सामने आएगा वही मेरा पति होगा। आप मेरे पति? मेरा पति हूँ जी हाँ। मेरे नाना ने मेरी राम राम में चलता हूँ। मैं आपको नहीं जाने दूँगा। तू किसकी लड़की है? मैं राजा की लड़की हूँ। राजा वर्धमान की? जी हाँ। तू राजा की लड़की? जी हाँ। शहर कर्नाटक की? जी। और मेरा राम राम? मैं आपको जाने दूँगी। अजय नहीं, बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। आप मेरे साथ चलो। अपने साथ ले जाएगी? जी हाँ। महल में? महल में? महल में ले जाएगी? जी नहीं, और अपने ताऊ के बाग में ले चलूंगी। बाग में? हाँ। चल फटाफट चल। हाँ ले भाई, सारे अमरूद बादाम तोड़ लिए ना, देख ले। अरे तो चल हर हा देख। ओ ताऊ, ये कौन थी? करेगा भाई? हाँ खेल करेगा। अच्छा, और एक पालना चाहिए? अच्छा अच्छा, पालने में झूला करेगा? हाँ। अच्छा, और एक बकरी चाहिए? अच्छा, दूध पिया करेगा भाई? हाँ। बकरी का? अरे वो चाहेगा झुनझुना। अच्छा अच्छा, खेलना करेगा? खेलना करेगा। तो लिया फिर, ठीक है मैं लाऊं। ले ले ले। छोटा सा बतावे थी? हाँ छोटा सा ही है। इसका पाछा तोड़ रहा मणि माजरे में? हाँ। अरे छोटा सा? हाँ छोटा सा था ही है। अच्छा। यो नहीं है। ए मैं नहीं रखता, ले जाए इसने परेना। क्यों नहीं रखता? मैं तेरी दीनी हूँ। होगी काम करने की कौन सी अड़का है? यो तेरा जमाई है ना, रख ले। यू मेरा जमाई है? ए यू लगा मेरा चौत्या। बताओ नूनी क्या कर? हाँ नूनी मजला के और के मारे नहीं लगता कुछ भी, ले जाए इसने बाहर कर दे चलो। हाँ हाँ, क्या बात है?
ठीक है बढ़िया रह गए कून में कून में नहीं बिस्तर पे बता भी लूंगी खाना भी लाऊंगी दूध भी लाऊंगी सेवा भी करूंगी अच्छा ठीक है फिर राम 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 ताऊ राम राम हाँ भाई हाँ क्या नाम है तेरा मेरा नाम हाँ नाम पूछोगे भाई एक बात है भाई मेरे सजनों उस मारी की एक लड़की थी जिसका नाम था मैना अपने बापू की रोटी लेके बाग में आती है क्या होता है मैं भाई छोरी भी नहीं आई बोले बहुत देर कर दी कौन ओ बापू राम 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 बेटी ये कौन ये मैना ये मैना बहुत देर लगाई बेटी देखे मर्द मानस के सो दिल में हवा दौरा नहीं लग गया करते तेरे बापू तू कैसी बात कर रहा है बापा बात ऐसी हाँ। ले दे जल्दी भूख लग रही है ले ले फर ए पकड़िया 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 क्या हो गया आज तो जुलम हो गया बोपो क्या होया ए आज तो जो सितम हो गया कुछ होया भी आज तो तड़के तो जंगल के हाथ भी नहीं धोए बोपो कोई नहीं तेरे तो सब चला तू तो खा ले चल अच्छा न्यू बता कितनी रोटी ले आई रोटी लेके आई मैं ढाई बस चली जा क्यों चली जा नहीं मुलक ना फोड़ दूंगा कितनी बार कहा दो रात ही ले आया करे उसने ही तो कहा है दो रात ही नहीं ढाई चल भी ले फिर दे अरे ओ छोरे हाँ जी छोरा कौन आया बाग में अरे ओ बकल सुने नहीं तो नहीं लगे हाँ जी हाँ जी बोलो तो अभी खावेगा कुछ हाँ और क्या मैं भूखा रहूंगा सारे बाग में क्यों तेरा कुछ बिगड़ रहा है भाई हेलो हाय हाय ए छोरी भाई क्या नाम है तेरा मेरा नाम आपका नाम मेरा नाम है पुष्प मैना मैं तो ना पूछ रहा बोकड़ में उसका निर्णय लिखाइए पिताजी आपकी लड़की का है शुभ पुष्ट मैना नाम इसी नाम से मिलता जुलता मुझे कहते तोता राम भाई तोता राम नाम क्यों कर पड़े तेरा मेरा नाम तोता इसलिए पड़ा के पालना था नीम के पेड़ में अच्छा उस पे तोते आन के बैठ जाकर क्यों पड़ गया तेरा नाम भाई जा उस पा आन का बैठने लाग जंदे काग फिर तेरा नाम काग दास हो जंदा नहीं नहीं काग नहीं बैठे वहाँ तो ठीक है आ बोलो देखिए मैं बाजार में लग रहा जान अच्छा कुछ सामान चाहिए तो बोल हाँ सुन ले मेरी बात इतना सोना भी नहीं है इतना सोना भी नहीं किया है कुछ नहीं है यो ये तो मेरे तो बात कर लू मैंने लिखा हाँ नहीं नहीं मैं लिखा दी बापू मेरे लिए ना हेलो ये ओ साले का मुल्क ना फोड़ दूंगा नूंगा लिए कभी छोरी का नहीं देखने लायक जा बापू मेरे लिए ना मेरे लिए तोता लेके आ रही तोता हाँ तोता तोता नहीं मिला थे और तोता ना फिर मरूंगी मरेगी मरूंगी बात सुन ले फिर मरूंगी मरेगी हाँ। ना मरिया ना पर तोता ही ले आ दूंगा बेटे अच्छा हाँ तोता ही ले आ दूंगा अगर तोता ना मिला हाँ फिर वो अगली और ही ले आ दो जोड़ सी उन्हें एक टंगी खड़ी रहा मेरे खातिर भी एक मैना ले आई हो अच्छा हाँ मैना पालने का शौक है मैना पालने का शौक चलो आ जाएगा चलो मीठे मीठे अंगूर सेब संतरे ला करके दूंगा अच्छा अजी मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ परमेश राणा जी सेब संतरे ला के दूंगा जब मेरे से बात करेगी अजी मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ प्यार करती है आई लव यू मैं भी आपसे प्यार करता हूँ अच्छा लड्डू माजरे वाले चुप चुप बैठी क्यों चुप बैठी
तेरा दिल की गुंडी खोल। अरे चुप चुप बैठी, अच्छा क्या चुप बैठी, जरा दिल की गुंडी खोल। ओ मैना परदेसी ते बोले, सुना मेरी बात, चुप चुप हाजिर है पर जान हमारी के लिए, जावे तो हाजिर है या जान हमारी तेरे लिए। बड़ी हूर फिरे तू दूर फिरे, आ मेरे रे सामने ढोल हो ले ना, बड़े के जीत है बोल ले तेरे, जरा दिल की हुंडी खोल। ओ मैना नौजवान है तुम्हारी बनी रहे, अच्छा मैं हूँ चिता चकोर चांदनी शाल तुम्हारी बनी रहे, हमारी है दर्शन की प्यासी मैना चाल तुम्हारी बनी रहे, इन बाहर का मेहमान मेहमान तुम्हारी बनी रहे, इन बाहर का मेहमान मेहमान तुम्हारी बनी रहे। ऐसे ही हो बोली बोली पूरा के
अच्छा के मैंने की तेरी शादी कर दी आज मैंने करवाती बापू ये करवाले को ने कुछ नहीं होता ला ला भाई आराम तो सुत्ता मौज से बस हो जाइयो मेरे सजनों मैना के साथ में शादी हो जाती है क्योंकि माली के एक लड़की थी लड़का नहीं था उसने सोचा कि बेटी देकर के बेटा मिलता है ये लड़का ठीक है यहीं पर रहेगा घर जमाई बनकर रहेगा ठीक रहेगा उसके साथ में शादी कर देते हैं। सजनों 12 साल बीत जाते हैं 12 साल के बाद में वही धर्म देवी भिखारण के रूप में भिक्षा मांगती मांगती उसी शहर कर्नाटक में आ जाती है मगर जिस टाइम भिक्षा मांगी दुकान पे फूलों की दुकान बना रखी तीनों बार ने उसको पहचानता नहीं दरबार में जाती है और जाकर के कहती है हे महाराज वर्धमान आपकी नगरी में मेरा चोर है सिपाही पकड़ करके आते हैं सिपाही पकड़ने के लिए आते हैं क्या होता है अरे भाई ठीक रहा क्या बात मेरे को पता लग जाएगा अरे आई डू नॉट मेक नाइस और बनी का साथी सबर है बिगड़ी मेरा कोई शरीर और कोई अंदर में मत रह कोई फिर मांगती महाराज की दुआई होती आई हो अरे क्यों पकड़े मेरे को मेरा नाम धर्मदेवी है आप चोर हो है? चोर हो आप मैं चोर हूँ जी हाँ बिल्कुल किसका जी हाँ पक्की बात बिल्कुल मेरे सजनों धर्मदेवी ने चोर कह करके दरबार में बुलाना था जिस टाइम दरबार में चलने लगा तो उसी टाइम मैना आती है कहती है हे महाराज हाँ मैना सुस्ती बरत रही नहीं 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 हाथ खड़ी लगली अच्छा हाँ क्या बात है मेरे पति को छोड़ दो ए, ये दरबार के अंदर जाएगा नहीं नहीं छोड़ दो मेरे पति को मैं कहता हूँ दरबार के अंदर फैसला होगा जिस टाइम दरबार में जाने लग रहे थे आशा खड़ी देख रही थी अटारी के ऊपर एकदम से नीचे आती है और क्या कहती है क्या बात है आप मेरे पति को कहाँ ले जा रहे हो ये दरबार के अंदर जाएगा वहाँ पर फैसला होगा ये चोर है या मेरी सो पति मेरा है दरबार में चलो महाराज क्या फैसला करते हैं चलिए चलिए चल बहस मेरे को चोर कह करके गिरफ्तार करके लाए मेरे को चोर कह करके गिरफ्तार करके लाए हैं और ये कहती है ये पति मेरे हैं ये पति मेरे हैं जरा ये पति मेरे हैं मेरी बात सुनिए आप लोगों की बात मेरी समझ से बाहर है आप खुद ही फैसला कर सकते हैं इस बात का आप खुद फैसला करो मेरे को इजाजत है हाँ आपको फुल पावर है जो फैसला करोगे कोई बोलते ये आपकी लड़की है आशा हाँ ये मेरी लड़की मेरी ये भी मेरे को पति बुलाती है अच्छा ये मैना माली की लड़की मेरे अजी मेरे पति है और ये धर्मदेवी ये भी आपको अपना पति मानते हैं शाम के देखने वाले यहाँ पर काफी लोग बैठे हैं समझने वाले श्रोता लोग हैं मेरे दोस्तों आपने दो चश्मी रागनी सुनी होगी ये जो रागनी है फैसले की रागनी है पांच चश्मी रागनी है पांच ध्यान से सुनना बैठिए महाराज मैं फैसला खुद करता हूं